जय हिंद दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार एम विद आरवी पर तो आज हम सी के लिए पर्यावरण अध्ययन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य थीमों में से एक नहीं है ऑप्शन ए है आवाज़ ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ऑप्शन सी है काम और खेल ऑप्शन डी भोजन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसमें क्या शामिल नहीं है तो काम और खेल इसमें नहीं शामिल है आगे देखते हैं वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य थीम इस प्रकार है मतलब इसमें कौन कौन शामिल है देखते हैं परिवार और मित्र शामिल है भोजन शामिल है पानी शामिल है आवाज़ शामिल है यात्रा शामिल है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं तो काम और खेल इसमें नहीं शामिल है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है पाठ्य पुस्तक का गठन शिक्षक द्वारा व्याख्यान कक्षा निर्देश कक्षा निदर्शन या किस्से कहानियाँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किस्से कहानियाँ किस्से कहानियों द्वारा बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए सहभागिता याद करना प्रश्न पूछना न्याय और समानता के प्रति सरोकार तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या नहीं होना चाहिए तो याद करना नहीं होना चाहिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं हरा और पीला नारंगी और लाल काला और सफ़ेद या बैंगनी और नीला तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौन सा रंग देख पाते हैं जानवर काला और सफ़ेद रंग ही देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है तो पूर्णिमा को कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है होली महाशिवरात्रि बुद्ध जयंती या ऑप्शन बी है होली रक्षाबंधन गुरु नानक जन्मदिवस या दिवाली महाशिवरात्रि या गुरु नानक जन्मदिवस या दिवाली गुरु नानक जन्मदिवस या रक्षाबंधन तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होली रक्षाबंधन गुरु नानक जन्म दिवस हम पूर्णिमा को मनाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है मतलब पेट्रोलियम से हम क्या नहीं प्राप्त करते हैं मोम ग्रीस कोयला या डीजल तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला हमें पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जलवाप्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उपरयुक्त सभी तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी ग्रीन हाउस गैस हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं यह एक है मिथक है वैज्ञानिक तथ्य है रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है रूढ़िबद्ध धारणा है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होने के कारण क्या हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं उसे जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं या प्रावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है किसके द्वारा मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया या मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया या हैजा चिकनगुनिया मलेरिया या एच एड्स हैजा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कौन कौन से फैलते हैं इसके द्वारा तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जो कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है बंद गोभी भिंडी गुड़ या आंवला पालक गुड़ या आंवला पालक आलू या आंवला आलू टमाटर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौन सा होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आंवला पालक और गुड़ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है किसमें भोजन पकाने में किया जाता है हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया से आए थे या अफगानिस्तान से आए थे या दक्षिण अमेरिका से या चीन से तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कहाँ से आए थे तो दक्षिण अमेरिका से आए थे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है कोयल फाक्था बया या शक्कर खोरा तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी कौन बनाता है फाकथा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस पौधों के कांटों के बीच बनाता है आगे देखते हैं थैंक्स कैसा लगा आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और अगर आप लोग तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जय हिंद थैंक्स